यार बहुत प्रेशर दे दिए बॉस, ये भी इसको पार्सल को भी पहुंचाना है और ये मौसम भी बहुत, क्या करे। ये कौन सा नंबर है? हेलो, हेलो, कौन जी? बाबू तुम्हारे भैया है बड़े वाले जी, मैं उनका दोस्त बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, उनका कुछ पैसा मेरे पास बकाया था। हाँ हमको तो नहीं बताए थे कुछ, अभी हो गया, उनका फोन लग नहीं था। पैसे देने हैं आपको? मैं कल से ट्राई कर रहा हूँ, स्विच ऑफ है। तो एक काम करो, तुम अपना जीमेल आईडी दो उनको और हम तुम्हारे उसमें पैसे ट्रांसफर करें। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं आपको ईमेल देता हूँ अपना। ठीक है ओके सर, जीमेल बोलिए जी। हाँ जी, 512। हाँ तो एक काम और करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जीमेल के माध्यम से जा नहीं रहा है, थोड़ा सिस्टम में कुछ इशू हो रहे हैं। नहीं हो रहा? यूपीआई बता दीजिए, यूपीआई। अरे नहीं, उससे कुछ नहीं होता है, अब हम उनके दोस्त हैं आपके भाई के भाई, ऐसा थोड़ी हम कुछ करेंगे आपके साथ स्कीम उस्कीम। हाँ मैं जानता हूँ कि स्कीम बहुत ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, आपको यूपीआई आईडी। सर आप हमारा नंबर ले लीजिए ना। हाँ भरोसा में आप हमारे भैया के दोस्त, इसलिए तो हम आपसे बात करें, नहीं तो हम अनजान से बात नहीं करते। ठीक है, यूपी आईडी देना ना आपको। ठीक है लिख लीजिए आप भैया। 257। हाँ जी बेटा, एक ओटीपी तुम्हारे नंबर पे गया होगा, उसको सेंड। जी नहीं नहीं, हमने आपको ओटीपी भेजा, देखो चेक करो, मैसेज में चेक करो। हाँ जो बैंक में नंबर लगाया उसी नंबर पे ओटीपी गया। ओटीपी? ये सर अभी आप जीमेल मांगे फिर यूपीआई आईडी, अभी ओटीपी भी मांग रहे, मुझे कुछ डाउट। नहीं नहीं, अरे आपको भेजा है हमने ओटीपी, देखिए आपको गया होगा भाई। हाँ हाँ उस नंबर पे चेक करिए जो बैंक में आपने लगा रखा है, उस नंबर पे भेजा ओटीपी। अच्छा अच्छा, ओटीपी आपने भेज दिया क्या? ठीक है मैं चेक कर रहा हूँ। रिफ्रेश कर लीजिए, दोबारा कर लीजिए, रिफ्रेश कर लीजिए, आ जाएगा अभी। सर ओटीपी नहीं आया आपका, जल्दी करिए बेटा, टाइम होता है उसका 30 सेकंड का, अगर 30 सेकंड से ज्यादा हो गया तो फिर पेमेंट ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, फिर दोबारा वही सारा प्रोसीजर हमें दोबारा करना पड़ेगा। अरे सर नहीं आया है, मैं अभी वही चेक कर रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं, नहीं आया है। जल्दी जल्दी देख के बताओ, देखो ओटीपी तो नहीं आया, क्या करूँ, ये बंदा परेशान किया, इसको गलत ओटीपी दे देता हूँ। हाँ सर लिखिए ओटीपी, लिखिए 619529524। ओके सर देखिए, अब मालूम पड़ेगा बाबू आपका ओटीपी गलत है, आपको जल्दी आप बताइए ओटीपी। अरे रॉन्ग कैसे बताएगा सर, हम आपको सही ओटीपी दिए, रॉन्ग बता रहे तो आप कौन से सही है सर। हेलो क्या कह रहे थे आप, हमारे भाई के दोस्त हैं? अगर आप हमारे भाई के दोस्त होते तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे भाई को मरे हुए 10 साल हो गए, और आपका फोन आया जब ही मैं समझ गया था कि ये कोई स्कैमर है, कोई हैकर है। ये जब समझ गया था तो नालायक कमीने है, वाहियात आदमी, तो टाइम हमारा भी खराब किया, अब तो तेरा काम हो गया, अभी देख तेरी आईडी भी देख, अकाउंट देख, साफ होने वाला है। सर उल्लू किसी और को बनाइए, ठीक है। हेलो ये धमकी किसी और को देना, ठीक है, तुम्हारे जैसे बहुत कॉल आते हैं और ऐसे तुम कुछ नहीं कर सकते। हाँ मैं कंप्लेन कर सकता हूँ तुम्हारे खिलाफ, गलती से अगर हमारा पैसा आप काट भी लेना, आप हैकर है ना, तो भी आरबीआई से हम लड़ सकते हैं, 48 घंटों में हमारा पैसा वापस कर देगा, लेकिन तुम नहीं बचोगे, तुम सीधा सलाखों के पीछे जाओगे। दोस्तों बेरोजगारी का दौर है और अजब गजब तरीके से लोगों को लूटने का काम किया जा रहा है, तो उन सब चीज़ों से जागरूक करने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है ताकि आप सतर्क रहें, किसी को भी अपना पर्सनल ओटीपी शेयर ना करें, नहीं तो आपकी फेसबुक आईडी से लेकर ट्विटर आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, सारी आईडी आपकी हैक हो सकती है, यहाँ तक कि आपका अकाउंट और पर्सनल डाटा भी हैक हो सकता है। तो भाइयों मेरा कहना यही था कि अगर कोई भी नंबर से अगर आपको ओटीपी आता है, कोई भी बैंक अगर आपसे ओटीपी नहीं मांगता, पहली बात, कोई भी बैंक हो या कोई भी आपका ऑनलाइन वर्क है, तो वो आपसे ओटीपी बिना कहे नहीं मांगता, और तो आपको अगर ओटीपी देना है तो ज़रूर उस पर ध्यान दें कि वो किस जगह से आया है, पहली बात तो आपको ओटीपी देना ही नहीं है, और ऐसे स्कैम आजकल बहुत हो रहे हैं, तो आपको सतर्क रहना है। और कोई भी लिंक आपको आता है, जैसे कि आजकल त्योहारों के मौके पर आता है कि हैप्पी होली, ईद मुबारक, ऐसे त्यौहार पर आपको एक लिंक आता है, क्लिक ना करें, नहीं तो वहाँ से भी आपका आईडी हैक हो सकता है। और कोई भी लिंक अगर आता है HTTP
तो वो उस पर आप बिल्कुल मत क्लिक करें, HTTPS होना चाहिए, वो सिक्योर होना चाहिए। आपको मैं वो सामने लिख के डिस्प्ले पे आपको दिखा दूंगा, अगर HTTP है तो आपको उस पर क्लिक नहीं करना है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, और आपको ये बस वीडियो एक जागरूक के लिए बनाया था। अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं, और नए हो तो फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं फिर कभी, बाय।